अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अऊज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बस हेडिंग दीजिए अपनी कॉपीज पर। कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। हेडिंग दीजिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या है जी? देखिए जी, सबसे पहले कोई इसमें ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, कुछ भी वो नहीं है मसला, सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कैंडिडेट्स इसमें ज्यादा वक्त कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं ये क्या है। तो यार ये ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें आपको सिर्फ लगता है कि भाई बहुत मुश्किल है यार, ये है वो है, पर ऐसा ना इतना मुश्किल है और ना इतना आसान है। कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती अगर आप पढ़े। तो मैं आगे आता हूं और मैं ये बताता चाहूँ कि हम आगे आते हैं तो इसमें हम कौन से टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे। एसिड्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, बेसिस क्या होती हैं, एल्कलाइज क्या होती हैं, सॉल्ट्स क्या होती है, पीएच क्या होती है, किस किस्म के ऑक्साइड्स हैं, सॉल्ट प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस एंड गैस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसिड्स की तरफ आते हैं। तो एसिड्स के बारे में हम ये कहते हैं कि एसिड जो होते हैं प्रोटॉन डोनर्स होते हैं। एसिड जो होते हैं ये प्रोटॉन डोनर्स होते हैं। ये वो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स लिखिएगा नहीं, विच प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आयंस इन देयर एक्वस सोल्यूशंस। ठीक है, एंड दीज एच पॉजिटिव आयंस जो होती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एसिडिक प्रॉपर्टीज। इनकी जो पीएच होती है वो 7 से कम होती है। इसके अलावा इनकी रिएक्शंस की बात करें तो ये बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी बनाते हैं। ठीक है, अमोनिया के साथ अमोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं, कार्बोनेट्स के साथ मिलके सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं। और एसिड्स जो हैं दे रिएक्ट विद ऑल मेटल्स विच आर अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, और ये जो और जब एसिड्स रिएक्ट विद वाटर मेटल्स एंड दोज मेटल्स विच आर अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने आपको बता दी, अब ये आगे लिखने वाला काम तो ये है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं एसिड्स की, लिखते जाए लिख लें। इसके अलावा हम बात करते हैं एसिड्स के बारे में। जब हमने रिएक्शंस इसके देखे तो हमने कहा कि ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी, एक मिनट, सॉरी, हम ये कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, इट इज अ रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये आ गया। एसिड्स की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो वो ये है कि एसिड जो हैं दे हैव अ सावर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल ले तो लेमन जूस के अंदर जो खटास होती है वो सिट्रिक एसिड की वजह से होती है, विनेगर में एथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, एसिड जो होती हैं दे चेंज द कलर्स ऑफ अ सब्सटेंसेस कॉल्ड इंडिकेटर्स, एंड जो एसिड्स हैं दे टर्न लिटमस ब्लू पेपर टू रेड। ठीक है, लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देते हैं, दे गिव रेड और ऑरेंज कलर विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये हम पढ़ेंगे आप सारे। कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं दे आर क्रोसिव, दे कैन ईट अवे मेटल्स, स्किन एंड क्लॉथ। सम एसिड्स आर नॉट क्रोसिव इवन इफ दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, दे आर वीक एसिड्स जस्ट लाइक एथेनोइक एसिड।
आगे लिखा हुआ है कि जो मेटल सब ऑफ हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज है, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, द हायर द मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज द मोर विगरस रिएक्शन। ठीक है, एक की पॉइंट लिख लें और याद रखें कि नेवर मिक्स मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम विद एसिड्स बिकॉज द रिएक्शंस आर टू वायलेंट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम को कभी मेटल्स के साथ मिक्स ना करें क्योंकि रिएक्शन बहुत वायलेंट है। ठीक है, अच्छा जी, ये वही चीज लिखी है। अब अगली चीज जो हमारे पास आती है वो ये है, वो मुझे इंसिस्ट करती है कि मैं थोड़ा सा वो करूं। अच्छा जी, ये ठीक है ना। अच्छा, अगला टॉपिक जो है वो है सॉलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स मेरे साथ साथ लिखिएगा प्लीज। मेरे साथ क्या लिखना है आपने? वन ऑल सॉल्ट्स ऑफ एल्कलाई मेटल्स। एक सेकंड रुकिएगा, मुझे जरा वो करने से। नहीं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एल्कलाई मेटल्स। ये पता नहीं आजकल ना इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है मेरे इस टाइप में लिखने में, आर सॉल्युबल। ठीक है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एल्कलाई मेटल्स आर सॉल्युबल। ऑल, अच्छा नहीं छोड़, मैं नहीं करता। सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स की बात, ये इसमें कोई लिखने वाला प्रॉब्लम आ रहा है, पेन निब चेंज करनी पड़ेगी, और निब्स घर पर है, बंदा भिजवा के अगली क्लास का एग्जाम करवाते हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि देखें, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कोई चीज सॉल्युबल है या नहीं है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह। कंपाउंड्स कौन कौन से हैं जो सॉल्युबल हैं और जो नहीं है सॉल्युबल, उनके बारे में ये बातचीत है। तो उनके बारे में हम क्या बातचीत करते हैं वो ये है कि ऑल सॉल्ट्स ऑफ एल्कलाई मेटल्स आर सॉल्युबल। ठीक है, ये लिखें, ये आपने ना सिर्फ लिखना है मगर ये आपने बाय हार्ट याद करना है। सॉल्युबिलिटी इतनी के जो मैं कभी भी किसी भी वक्त इस चैप्टर के दौरान भी, खास तौर पर इस चैप्टर के दौरान, किसी को भी खड़ा होके खड़ा करवा के पूछ सकता हूँ कि सॉल्युबिलिटी सुनाए, तो आपको इतनी अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, तो ऑल सॉल्ट्स ऑफ एल्कलाई मेटल्स आर सॉल्युबल, ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ऑल आयोनिक क्लोराइड्स, ऑल आयोनिक क्लोराइड्स, आयोडाइड्स, ब्रोमाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट सिल्वर, लेड एंड मर्क्यूरी। ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट कैल्शियम, बेरियम, लेड। ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट ग्रुप वन एंड अमोनियम। ऑल आयोनिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट ग्रुप वन एंड अमोनियम। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप टू ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, लिख लिया, लिख लें जल्दी।
जी ये इसकी एक समरी है। ये इसकी एक समरी है, या आप लिख लें। गुड हो गया। अब हम आगे आते हैं और अब हम एसिड के रिएक्शंस की बात करते हैं। तो ये इसके रिएक्शंस हैं, इनको लिखिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा इसमें वो मेटल्स है ना जो रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ, जैसे लिथियम कर रहा है, कैल्शियम कर रहा है, आयरन कर रहा है, मैग्नीशियम कर रहा है। तो उसमें आप सब में देख रहे हो कि सॉल्ट बन रहा है, जैसे लिथियम में लिथियम सल्फेट, लेड नाइट्रेट, आयरन क्लोराइड, आयरन टू क्लोराइड, जिंक सल्फेट, टिन नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस तो लाजमी बन रही है। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं और मेटल ऑक्साइड्स प्लस एसिड का रिएक्शन देखते हैं। तो वो ये है कि उसमें भी रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड नाइट्रेट के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ मैग्नीशियम नाइट्रेट और वाटर बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर नाइट्रेट और वाटर बना रहा है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर क्लोराइड बना रहा है और वाटर बना रहा है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगला रिएक्शन जो है वो मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड है, और उसमें भी आप ये देखें कि मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन होके मैग्नीशियम नाइट्रेट बना रहा है जो कि एक सॉल्ट है, वाटर बना रहा है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहा है। ठीक है, और इसी तरह ढेर सारे एग्जांपल्स है, लिथियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट दो दफा है, सॉरी लिस्ट में आ गया, करना पड़ेगा ठीक, और सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो आपको आई एम श्योर जो अंदाज वो है वो हो गया है कि ये कौन सा एक ट्रेंड सा है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम अगली चीज पर आते हैं, और जो अगली चीज है वो बेसिस एंड एल्कलाइड। ठीक है, अब बेसिस क्या होती है, बेसिस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर्स, ठीक है, बेसिस इंक्लूड ऑल मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड अमोनिया। ठीक है, एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मोस्ट बेसिस जो होती हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, एल्कलाइज आर सॉल्युबल बेसिस। ठीक है, ये लिख लें। ये एक ग्रुप है, नहीं ये, ठीक है, अच्छा ये आप देख सकते हैं कि एक मैंने सर्कल बनाया, अब मैं इधर एक और बनाता ठीक है, ये मैंने इधर एक दूसरा ही बना दिया। अब ये दोनों चीजें जो हैं ये रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट ये कर रही हैं, देखें ये मैंने क्यों बनाया, मैंने इसलिए बनाया कि मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये बेसिस हैं और ये जो हैं ये एल्कलाइज हैं। ठीक है, इससे क्या समझ आया आप?
इससे आपको ये समझ आएगा कि ऑल एल्कलाइज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाइज, ठीक है। एल्कलाइज इंक्लूड, एल्कलाइज कौन कौन से होती हैं? ग्रुप वन मेटल हाइड्रोक्साइड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड, रेडियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस अमोनिया, ठीक है। अब एल्कलाइज की जब मैं बात करूंगा तो मैं एल्कलाइज की ये बात करता हूँ कि एल्कलाइज वो सब्सटेंसेस हैं जो ओएच नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करती हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, और इनका जो पीएच होता है वो अबव 7 होता है, ठीक है। दे टर्न टर्न लिटमस पेपर ब्लू, ठीक है, ये चीज लिख लो। जी आपने अच्छा सवाल पूछा कि एक बच्चे ने सवाल किया कि पीएच क्या होता है। आप जब बच्चे थे, अभी भी आप बच्चे ही हैं, आपने पीएच के बारे में पढ़ा कि पीएच जो होता है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये कोई एक पुरानी किताब थी केमिस्ट्री की जिसमें पीएच पर को इन्होंने पावर ऑफ हाइड्रोजन लिख दिया, पर ये पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है। आप वो बड़ी फजूल किताब थी और वो जितने जितने लोगों ने पढ़ी वो सब गुमराह हो गए। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, और पीएच अभी इस स्टेज पर आपको कंसर्न भी नहीं करता कि पीएच क्या है, ठीक है। पीएच के बारे में आपको सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए। अच्छा, पीएच के बारे में आपको सिर्फ ये बात पता होनी चाहिए कि जो पीएच है वो मेजर ऑफ एसिडिटी और एल्कलाइनिटी ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है। और पीएच जो होता है वो फ्रॉम स्केल 0 to 14 होता है, ठीक है। 0 से 6 क्या होता है? एसिडिक होता है। 7 क्या होता है? 7, 8 से 14 क्या होता है, ठीक है। ये एसिडिक हो गया, ये एल्क्लाइन हो गया, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल्स की हम आजकल बात नहीं करते, ठीक है ना। बहरहाल 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये आगे A2 में आपको बताया जाएगा कि ये न्यूट्रल कैसे होता है, व्हाई इज इट न्यूट्रल, व्हाई इज अ सब्सटेंस एसिडिक, उसमें ऐसी क्या वो है सब्सटेंसेस हैं, क्या आयंस हैं, कौन से तत्व। तो बहरहाल आपको पीएच के बारे में सिर्फ यही पता होना चाहिए, इट इज मेजर ऑफ एसिडिटी और एल्कलाइनिटी ऑफ सॉल्यूशन, और इसके ऊपर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। और जो भी कहे कि इट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन वो गलत कह रहा है, और उसको आप हमारे पास लेके आए, हम उनको देखें, ठीक है। अब ये लिख लिए जी कि सॉल्युबल बेसिस एल्कलाइज हैव मोर पीएच इन 7, दे प्रोड्यूस ओएच नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये रिएक्शंस हैं। अमाइनो अमोनिया रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बेसिस रिएक्ट विद अमोनियम कंपाउंड्स टू फॉर्म अमोनिया गैस, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ऑल एल्कलाइज स्लैश बेसिस रिएक्ट विद अमोनियम कंपाउंड्स टू फॉर्म अमोनिया गैस, सॉल्ट एंड वाटर। अमोनिया इज वेरी सॉल्युबल इन वाटर, इफ यू हीट द मिक्सचर अमोनिया गैस इज वॉल्व व्हिच टर्न रैम्पेंट। अच्छा, रिएक्शंस की बात करें तो बेसिस अमोनियम सॉल्ट्स के साथ मिलके अमोनिया बनाती हैं, सॉल्ट बनाती हैं और वाटर बनाती हैं, जैसे का जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। देख लें इसको आराम। बच्चे काम आएंगे। अब आगे आते हैं पीएच स्केल के ऊपर, ठीक है। अभी बाप ने पीएच का ही सवाल किया था, पीएच आ गया। ये देख लीजिए कि इट इज अ स्केल रेंजिंग फ्रॉम 0 to 14, इट इज मेजर्ड बाय पीएच मीटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज मेजर ऑफ एसिडिटी और एल्कलाइनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल है ये भी, एज अ पीएच ऑफ 7 दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू ओएच नेगेटिव आयंस, ठीक है। ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एच पॉजिटिव आयंस ओ एच आयंस की लिख दी है, ये आती है टू, ठीक है। आपको एक अभी से ही सही चीज पढ़ाना बेहतर है, ना कि गलत चीज पढ़ा के बाद में कहें कि जी वो हमने गलत पढ़ाया, ठीक है। ये आपको ओ लेवल्स या IGCSE के लिए ये चीज रिक्वायर्ड है, बस यही देखिएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की पीएच 0 से 1, वीक एसिड्स की 3, न्यूट्रल की 7, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज की 13 या 14, वीक एल्कलाइज
11, पीएच इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयंस पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ये पीएच स्केल आ गया, ठीक है। पीएच ऑफ सॉइल की बात करें तो क्रॉप्स हमें पता है कि डोंट ग्रो वेल इफ सॉइल इज वेरी एसिडिक और एल्कलाइन, फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम होता है जो कि एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्टॉक लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, ठीक है। आगे आते हैं इंडिकेटर्स की बात करते हैं, तो ये आप खुद देख लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स की बात करें, या स्ट्रॉन्ग एसिड्स या वीक एल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज या वीक एल्कलाइज, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज कंप्लीटली आयनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस, वीक एसिड्स और वीक एल्कलाइज आर पार्शली आयनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। अब एसिड बेसिस का बहुत बड़ा पार्ट, आधा पार्ट जो है वो यहाँ पर एंड होता है। अब बड़ा पार्ट शुरू होता है और वो है सॉल्ट्स, ठीक है। सॉल्ट्स क्या है? सॉल्ट्स आर फॉर्म व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस्ड बाय मेटल और अमोनियम आयन, ठीक है। HCl, H रिप्लेस हो गया किसी मेटल से, मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉल्ट बन गया ना, फिर बढ़िया, नहीं बढ़िया, बढ़िया है ना। फिर ऑल मेटल्स और अमोनियम क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, सॉरी सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स और सॉल्ट्स, ऑल सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स, वी देयरफॉर यूज क्रिस क्रॉस मेथड टू फाइंड देयर फॉर्मूला। मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, फोन निकाल, ये जो भी मैं आगे टेबल आएगा इसकी पिक्चर्स लेते, ठीक है। इसकी पिक्चर लें, इसकी पिक्चर लें, इसकी पिक्चर लें, इसकी लें, जल्दी जल्दी लें, जल्दी जल्दी, इसकी लें और इसकी ना लें। ये बेसिकली क्या है, ये टेबल है एक बहुत बड़ा, जिसमें आपने नेम कुछ कंपाउंड लिखे हुए हैं, वो आपने बताना है कि एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, एल्कलाई है, और सॉलिबिलिटी का बताना है, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशंस को देखें, लिख लें तो वो करें, पिक्चर 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 पिक्चर, वही चीज ऐसी भी पिक्चर ले लो, ये पूरा टेबल ऐसे लगाना था, वो बहुत छोटा और वो नजर ना आता, मैंने स्प्लिट करके लगा दिया, ठीक है। अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं ऑक्साइड्स की। आज ये पुत्र ऑक्साइड्स की हो, मैंने ऑक्साइड जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, ऑक्साइड जो होते हैं ना वो दो किस्म के होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं और एम्फोटेरिक होते हैं। ये लिखो ना यार, किसका वेट कर रही। एसिड नॉन मेटल एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। ओके लिख लिया, ये लिख लें, मैंने आगे कर दिया तो चला। ठीक है, बेसिक हाइड्रोक्साइड होती हैं विच रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट विद बेसिस एंड एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट। बेसिक जो होते हैं वो सिर्फ एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाती है, एम्फोटेरिक जो होते हैं वो बेसिस और एसिड्स के साथ भी, दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते सॉल्ट ही,
एसिडिक जो होती हैं दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट्स, और न्यूट्रल जो होती हैं दे डोंट रिएक्ट विद एनीथिंग। ठीक है, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल का एक वो है जो हम कहते हैं ना कि पीरियोडिक टेबल, बेसिकली मैं पूरा वो नहीं किया, ये स्टेयर केस लाइन है, ये है पीरियोडिक। ये वाले बेसिक होती हैं, ये वाले एसिडिक होते हैं, ये वाले न्यूट्रल होते हैं, ये वाले एम्फोटेरिक होते हैं। ये देख लिया, इधर बेसिक एम्फोटेरिक, बीच में एसिडिक न्यूट्रल, ठीक है, एम्फोटेरिक बीच में, इधर बेसिक एसिडिक, ठीक हो गया, अंडरस्टूड। सॉल्ट प्रिपरेशन, जी, सॉल्ट प्रिपरेशन डिवाइडेड इनटू सब्सटेंसेस दैट आर इधर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल में टाइट्रेशन होती है, और दूसरा मेथड जिसको मैंने नाम दिया हुआ है एक्सेस मेथड, एक इट इज ब्रैकेट में भी देखे लिखा, नॉट अ प्रॉपर नेम, ओनली यूज फॉर क्लेरिफिकेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट। नाम आपने नहीं लिखना कि क्वेश्चन में आ गया, आपने वी विल यूज एक्सेस मेथड, एक्सेस मेथड की मेथड, ये मेरा नाम, एग्जामिनर का नाम नहीं। एक्सेस मेथड में क्या होता है, मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, एसिड के साथ सॉल्ट और वाटर, कार्बोनेट प्लस एसिड, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और इनसॉल्युबल जो होता है वो, जी। तो अगली चीज जो है वो है सॉल्ट प्रिपरेशन। तो सॉल्ट प्रिपरेशन क्या होती है, बता दिया कि भाई इट इज डिवाइडेड इनटू सब्सटेंसेस दैट आर इधर, ये हमने सारी बात कर दी, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं एक्सेस मेथड कौन सा है। तो एक्सेस मेथड क्या होता है, इन एक्सेस मेथड वी ऐड एक्सेस क्वांटिटी ऑफ इनसॉल्युबल रिएक्टेंट टू फिनिश सॉल्युबल रिएक्टेंट। सॉल्युबल रिएक्टेंट कौन सा है, एसिड। इन दिस मेथड मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज डू नॉट रिएक्ट, मेटल प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शन वी ओनली यूज फॉर बी मैजेट, ठीक है। बी मैजेट क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, ठीक है, समझ आ गई ना। हाँ जी, दूसरा मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। ये क्या है कि हम इसको ग्रुप वन के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज एसिड्स एंड हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल, डोंट यूज फॉर कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। तीसरा कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, डोंट यूज फॉर ग्रुप वन एंड अमोनिया। आयोनिक प्रेसिपिटेशन, बोथ रिएक्शन होने चाहिए वो सॉल्युबल होने चाहिए इन वाटर में, इंटरचेंज पॉजिटिव आयंस, ठीक है। इफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, रिएक्शन आप देख सकती हैं, कुछ इक्वेशन लिखी हुई है। प्रेसिपिटेशन ये थोड़ा सा बात लिखना है, इधर से नोट्स में ना आपको मिल जाएंगी, थोड़ी सी कहानी है वैसे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी आपको मिल जाएंगी एप्लीकेशन में। टाइट्रेशन, दिस इज यूज टू प्रिपेयर सॉल्युबल सॉल्ट फ्रॉम सॉल्युबल बेस एंड एन एसिड, ठीक है। इट इज यूज टू मेक सॉल्ट ऑफ ग्रुप वन मेटल्स एंड अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल लेने के, आपने MgSO4.7H2O प्रोड्यूस करना है, तो ये उसकी प्रिपरेशन का सारा का सारा मेथड लिखा हुआ है, ये आप याद कर लें, याद कर बाय हार्ट याद कर, पेपर में आता होता है लिखने के लिए, ये आपने याद कर लेना, ठीक है, या आप नोट्स में आपको मिल जाएगा, आप उधर से लिख लीजिएगा, ठीक है। NaCl बनाना, ये भी आपको आना चाहिए, सब आना चाहिए, ठीक है ना। अगली चीज आयोनिक इक्वेशन क्या होती है, ये बेटा एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसकी आयोनिक इक्वेशन बनानी है। ये आयोनिक इक्वेशन, आयोनिक इक्वेशन में बेसिकली क्या करते हैं कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं उसको नहीं छेड़ते, एक्वस कंपाउंड जितने भी होते हैं उसको आयंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और दोनों साइड्स में जो सेम आयंस होते हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। और जो सेम आयंस होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, उनको हम स्पेक्टेटर आयंस बोलते हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और सारा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस और गैसेस क्या चीज है, ये एक्वस कैट आयंस का कुछ हुआ है कि इफेक्ट ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, इफेक्ट ऑफ एक्वस अमोनिया क्या होगा, ठीक है, और एन आयंस का इसी तरह है और गैसेस का इसी तरह है, ठीक है। तो ये आपने, ये भी आपने याद करनी है, ये आपके उसमें सिलेबस वाली जो बुकलेट है उसमें भी है, और ये इधर भी नोट्स में भी है, ठीक है।
तो ये तो आपने याद करनी है, इसमें कोई वो नहीं है। फ्लेम टेस्ट फॉर मेटल आयंस को भी देखना है कि भाई लिथियम आयन की रेड फ्लेम होगी, सोडियम आयन की येलो, पोटेशियम की लाइलैक, कॉपर की ब्लू ग्रीन। ठीक है, इधर ही हम अपना जो एसिड बेसिस सॉल्ट्स का सफर है वो हम इधर खत्म करते हैं, और इंशाल्लाह आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिल सके। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिर्दोनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह।